देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। जनतंत्र में जन की पीठ पर सवार हुआ तंत्र, कमलनाथ। राज में ग्रामीण की पीठ पर सवार पटवारी। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मसले पर पाक और चीन को झटका, पाक ने तोड़ा सीज फायर, एक जवान शहीद। आधा देश हुआ पानी पानी, कहीं सड़कें बनी नदी, जारी रहेगा अभी बारिश का दौर। बारिश से हर कोई परेशान, कहीं सड़क पर आया मगर तो कहीं खेत में निकला आजकल। और 5.11 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता है रामेश्वर गुर्जर, वीडियो हुआ वायरल, केंद्र और राज्य सरकार ने बुलाया। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर दिल्ली से। देश की राजधानी दिल्ली के जाने माने अस्पताल एम्स में शाम के वक्त अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से एम्स में आग पहले और दूसरे फ्लोर पर लगी। दमकल विभाग की 35 से ज्यादा गाड़ियों ने जैसे तैसे इस आग पर काबू पाया है। शाम के वक्त एम्स के टीचिंग ब्लॉक में ये आग लगी। एहतियात के तौर पर एम्स के इमरजेंसी विभाग को बंद कर दिया गया। इस वार्ड के मरीजों को अन्य जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। जानकारी के मुताबिक एम्स के सेकंड फ्लोर पर स्थित पीसी ब्लॉक में सबसे पहले आग टीचिंग ब्लॉक और दूसरी मंजिल पर लगी है, जिसकी चपेट में लैब व ऑफिस आ गए हैं। एम्स दिल्ली ही नहीं देश का मुख्य चिकित्सा संस्था है। इन दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली गंभीर हालत में एम्स में भर्ती हैं। यह आग लगने की वजह से करीब 500 मीटर की दूरी पर दूसरे ब्लॉक में थे। वहां राष्ट्रपति, पीएम मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों व अन्य वीवीआईपी का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में वहां आग लगने की घटना प्रशासन के लिए काफी बड़ी चुनौती है। ये खबर सबके लिए बेहद जरूरी है। हमारे जनतंत्र में तंत्र किस तरह जन की पीठ पर सवार होकर उसका तेल निकाल रहा है, ये उसकी वानगी भर है। कहा जाने लगा है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार में जो हो जाए सो कम है। एक तरफ ग्रामीण पानी के प्रकोप से परेशान है और उनकी सुनने वाला यहां कोई नहीं है। ऐसे में सर्वे करने आ रहे अफसर ग्रामीणों की सवारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आप भी देख लीजिए एक ग्रामीण की पीठ पर सवार पटवारी को। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, इसके चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बारिश के चलते शिवपुरी में सिंध नदी उफान पर है, इससे कई स्थानों पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। ऐसे में सरकार बारिश से हुए नुकसान के सर्वे करती है। इस बार भी सर्वे का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आप तो बाढ़ और पानी से बेहाल लोगों का हाल जानने गांव, खेत और कीचड़ में पहुंचे नहीं, लेकिन ऐसे में सरकारी मुलाजिम इसमें भी रसूख दिखाने से पीछे नहीं हटे। कई जगह आला अधिकारियों से लेकर पटवारियों तक ने यह कहा कि जब मौसम खुल जाएगा तब देखेंगे, लेकिन कुछ तैयार हुए तो इस शर्त पर कि जहां सर्वे करने जाएंगे वहां के ग्रामीण अफसरों को पानी से बचाएंगे। बस फिर क्या था, जिन परेशान किसानों को अपनी बर्बादी का सर्वे कराना था वे पटवारियों की सेवा में लग गए। देख लीजिए मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आपके राज में ग्रामीण की पीठ पर सवार पटवारी को। सिंध नदी में एक पटवारी ग्रामीण की पीठ पर बैठकर सर्वे करने पहुंचा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नदी का बहाव तेज है। ऐसे में ग्रामीण की जान जोखिम में डालकर पटवारी ने उसकी पीठ पर बैठकर नदी पार की। नुकसान का सर्वे करने साखनोर बदरवास आए इस पटवारी का नाम पीयूष राजपूत है। इस मामले में पटवारी का कहना है कि जब वह पिपरोदन से साखनोर सर्वे के लिए गया तब रपटे पर पानी ना के बराबर था, लेकिन लौटने लगे तो पानी बढ़ गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, देख लीजिए आपके अफसर आपकी रियाया का क्या हाल कर रहे हैं। अगर आपकी नजर ऐसे ही चूकती रही तो अफसर जनता की पीठ पर सवारी करते रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने जमकर पाकिस्तान और चीन को लताड़ा है। ऐसे में रूस ने भारत से मित्रता निभाई और भारत के साथ खड़ा हो गया।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी आतंकवाद के समर्थक देश पाकिस्तान और उसके सहयोगी चीन को तगड़ा झटका लगा है। कश्मीर मसले पर आतंक समर्थक देश पाकिस्तान के साथ खड़ा होने से चीन की किरकिरी होना शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन की मांग पर जम्मू कश्मीर मुद्दे को लेकर बैठक हुई। कश्मीर को लेकर जहां रूस भारत के पक्ष में नजर आया, वहीं चीन ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाए। हालांकि रूस ने कश्मीर को लेकर सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत का समर्थन किया है। यूएनएससी की बैठक खत्म होने के बाद चीन राजदूत ने कहा कि भारत ने जो संवैधानिक संशोधन किया है उससे मौजूदा स्थिति बदल गई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि अनुच्छेद 370 भारत का आंतरिक मसला है, इसमें बाहरी लोगों की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत ने यह फैसला लिया है। अकबरुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान जिहाद की बात कर हिंसा फैला रहा है, हम अपनी नीति पर हमेशा की तरह कायम है, हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि बातचीत से पहले पाकिस्तान को आतंकवाद को रोकना होगा, यह भी पहली ही बार है जब संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था को बंद कमरे में बैठक करनी पड़ी है। वहीं कश्मीर पर यूएन के इतिहास में दूसरी बार है। The state of the union territory of Jammu and Kashmir announced a whole set of measures that the government is undertaking to move towards normalcy. We are gratified that the Security Council in its close consultations appreciated these efforts. Acknowledged them and indicated that this is the direction in which they would like the international community to move. जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से बौखलाए आतंकवाद समर्थक पाकिस्तान ने सीज फायर के दौरान सीमा पर जमकर गोलीबारी की, जिससे एक भारतीय जवान शहीद हो गया। भारत ने भी पाकिस्तान को इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान की एक चौकी को तबाह कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भी मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अब एक बार फिर से नापाक हरकतों पर उतर आया है और सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर फायरिंग कर रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में स्थित नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सुबह से ही संघर्ष विराम का उल्लंघन कर फायरिंग की जा रही है। इस फायरिंग का भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। इस बीच खबर है कि भारतीय सेना के लांस नायक संदीप थापा इस फायरिंग में शहीद हो गए हैं। थापा उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले थे। देश के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ चुके हैं। कुछ राज्यों में बारिश से राहत तो मिली है, लेकिन बाढ़ का पानी अब भी गांव और शहरों में भरा हुआ है। इस बीच शनिवार को भी पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारतीय राज्यों और मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में बारिश से हालात बिगड़े नजर आए हैं। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तरी, मध्य और पूर्वी राज्यों के ऊपर कम दबाव वाले एरिया में चक्रवर्ती सर्कुलेशन बन रहा है, इस के कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान व अन्य राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जहाँ लगातार बारिश की वजह एयरपोर्ट पर उड़ाने प्रभावित हुई है, वहीं सड़कें भी तालाब बन गई हैं। कई इलाकों में पानी भर जाने की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। सड़कों पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं बाढ़ और भारी बारिश से परेशान चेन्नई को अब भी कोई राहत नहीं मिल पाई है और वहां भी लगातार बारिश जारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से मंडी जिले में गोहर गाँव में भूस्खलन की खबर आई है, साथ ही कंगड़ा के स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। राजस्थान के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं और भारी बारिश के कारण सीकर के कई इलाकों में पानी भर गया है। जम्मू कश्मीर में भी लगातार भारी बारिश हो रही है और इस वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। लगातार बारिश की वजह से ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है। पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 8 महीने में कांग्रेस से सिवाय तबादले के कोई कार्य नहीं किया, इसीलिए पोस्टर लगाने की जरूरत पड़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद अब विश्वास सारंग ने नेहरू परिवार पर विवादित बयान देते हुए कहा कि कश्मीर की समस्या के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है। बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने पीसीसी दफ्तर पर लगे पोस्टर पर बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस ने 8 महीने में तबादले के सिवाय कोई विकास कार्य नहीं किया। कमलनाथ सरकार बिजली, पानी, बेरोजगारी के मुद्दों को दूर नहीं कर पा रही, इसीलिए पोस्टर लगाने की आवश्यकता पड़ी है। सारंग ने कहा कि सरकार की उपलब्धि 8 महीने में तबादले की है और इसको गिनीज बुक में दर्ज किया जाना चाहिए। 8 महीने में कांग्रेस पार्टी के करीबियों के पास से पैसे निकल रहे हैं। सरकार की
पहले नीति नहीं थी, अब नेता नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। गौरतलब है कि पीसीसी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के 8 महीने और भाजपा के 13 सालों के कार्य पर पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें बीजेपी की पोस्ट में बताया है कि 13 वर्षों में भाजपा सरकार ने 23,000 घोषणाएं कर जनता के साथ धोखा किया। वहीं कांग्रेस सरकार ने 8 महीने में 100 से ज्यादा वचन पूरे किए। कांग्रेस सरकार ने 2 घंटे में किसान कर्ज माफ किया। बिजली है नहीं, पानी की व्यवस्था कर नहीं पाए, किसान का कर्ज माफ नहीं कर पाए, युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता नहीं दे पाए, युवाओं की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाए। इस सरकार की यदि 8 महीने में कोई उपलब्धि है तो ये जरूर है कि यदि दुनिया में ट्रांसफर सबसे ज्यादा किस सरकार में हुए इसका यदि रिकॉर्ड बनेगा तो कमलनाथ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जरूर दर्ज होगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद अब विश्वास सारंग ने भी नेहरू परिवार पर विवादित बयान देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियों की वजह से देश में कश्मीर जैसी समस्याएं आई हैं। भाजपा विधायक ने कहा कि इस देश को तोड़ने वाले कश्मीर जैसी परिस्थितियां पैदा करने के साथ ही आतंकवाद पनपाने वाले नेहरू और इंदिरा गांधी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी आम आदमी वाली छवि के कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं। शिवराज भोपाल से अपने गांव जा रहे थे और रास्ते में सड़क दुर्घटना में युवक घायल दिखा। तत्काल उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और घायल युवक को मदद करवाई। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सबसे बड़ी पूंजी उनका आम आदमी से जुड़ाव है। शिवराज सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल से अपने गांव जैत जा रहे थे। मंडीदीप के पास एक्सीडेंट में घायल एक युवक को उन्होंने सड़क पर देखा तो उन्होंने तत्काल अपना काफिला रुकवाया और घायल युवक की मदद की। उन्होंने अपने काफिले की एम्बुलेंस से घायल अस्पताल पहुंचाया। यह पहला मौका नहीं है जब शिवराज सिंह ने ऐसा किया हो। वे जब मुख्यमंत्री थे तब भी ऐसा ही करते थे। उनकी यह अदा उन्हें तमाम समकालीन नेताओं से अलग करती है। उठाओ भाई, देर मत करो भाई, देख लेंगे। इसी को भेजो। अरे देर मत करो भाई, जिंदगी बच जाएगी मेरे भाई। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विथ फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। विक्रमादित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ओर से देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इसान बिल्डर एंड डेवलपर की तरफ से 15 अगस्त और रक्षाबंधन के लिए देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। यंग पीढ़ी है, उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि 15 अगस्त के दिन बढ़ चढ़ कर कहते हैं कि वो खुशियाँ मनाएं और देश के प्रति और आगे आए। वो लोग आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और साथ में कामना करता हूं कि सभी देशवासियों का, सभी भोपालवासियों का, सभी प्रदेशवासियों का स्वयं का अपना आवास हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। नमस्कार, मैं दिनेश गर्ग महेश एंटरप्राइज की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और रक्षाबंधन के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अकादमी भोपाल शाखा, छिंदवाड़ा शाखा और बालाघाट शाखा, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामना देता हूँ। मैं सुधीर गुप्ता मधुरम ग्रुप की ओर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मोदी जी ने सभी देशवासियों को जो धारा 370-35A की जो सौगात दी है जिससे कश्मीर की तरक्की निश्चित है, वो सभी को इसका स्वागत करना चाहिए और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और भाईचारा बनाए रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। द्वारका प्रसाद चौक से अध्यक्ष सीएमओ नगर परिषद साई खेड़ा की ओर से देश प्रदेश और शहर वासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। संगीता भगवान दास मेहरा अध्यक्ष सीएमओ राजीव लोचन कटारे नगर परिषद साली चौक की ओर से देश प्रदेश और शहर वासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
सुधा भोग चंद्र ताम्रकर अध्यक्ष नगर परिषद चिचड़ी, जीएस राजपूत सीएमओ नगर परिषद चिचड़ी की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अनिता रविशेखर जायसवाल अध्यक्ष, कमल खटीक उपाध्यक्ष, संजय बाबू घाटड़े मुख्य नगरपालिका अधिकारी गाडरवारा की ओर से देश और प्रदेश के सभी शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनीता पटेल विधायक गाडरवारा की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नगरपालिका रीवा की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। पीडब्ल्यूडी ग्वालियर हरिओम शर्मा की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वास्थ्य विभाग ग्वालियर सीएमएचओ की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वास्थ्य विभाग मलेरिया ग्वालियर की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। साई डीजे गोल पहाड़िया बिजली घर ग्वालियर की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अंकुर अष्टाना ग्वालियर की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्षेत्रीय अधिकारियों ने राकेश कुशवाहा ग्वालियर की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत झापड़ा सरपंच नीलाबाई ओसले और सचिव संतोष पाटिल, सहायक सचिव अमित मालपीय एवं समस्त ग्राम पंच व ग्रामवासी की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत रैसलपुर सरपंच उत्तम बड़ोदिया, सरपंच प्रतिनिधि राजेश बड़ोदिया, जनपद सदस्य रामविलास उइके, समस्त ग्रामवासी की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत मगरधा सरपंच रेवाबाई शिंदे, सचिव उमाशंकर गौर एवं समस्त पंच व ग्रामवासी की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत जिजगांव सरपंच सुनील राय खेरी, सचिव रामदास गौर, सहायक सचिव दिलीप शर्मा एवं समस्त ग्रामवासी की ओर से देश और प्रदेश शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत गहाल सरपंच पंच व ग्रामवासी की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत बड़वानी सरपंच मालतीबाई व राधेश्याम कंवल एवं समस्त ग्राम पंच व ग्रामवासी की ओर से देश प्रदेश व शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत बस पानी सरपंच मंगलबाई, सचिव ओम प्रकाश गौर एवं समस्त ग्राम पंच व ग्रामवासी की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत नाकवाड़ा सरपंच फूलपती बाई, सचिव रेवाराम शर्मा, उप सरपंच अरुण राजपूत एवं समस्त ग्राम पंच व ग्रामवासी की ओर से देश प्रदेश व शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत खामगांव सरपंच किरण बाई, सचिव दीपक यादव एवं समस्त ग्राम पंच एवं ग्रामवासी की ओर से देश प्रदेश और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत बोथी सरपंच फग्गू पांसे, सचिव ज्ञान सिंह तोबर एवं समस्त ग्राम पंच व ग्रामवासियों की ओर से देश प्रदेश व शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिवपुरी के एक किसान परिवार के बेटे रामेश्वर गुर्जर का नंगे पैर दौड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू का ध्यान भी इस तरफ गया। उन्होंने ये वीडियो देखने के बाद ट्वीट किया कि इस होनहार एथलीट को मेरे पास भेजे। उन्होंने कहा कि इस होनहार को एथलीट अकेडमी में रखने की आवश्यकता है।
खेल मंत्री रिज्जू ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट पर टैग करते हुए लिखा, शिवराज जी किसी से कहें कि इस एथलीट को मेरे पास ले आए, मैं उसे एक एथलेटिक एकेडमी में रखने का इंतजाम करूंगा। दरअसल मध्य प्रदेश के मुखिया रह चुके शिवराज सिंह चौहान ने धावक रामेश्वर गुर्जर को अच्छा मौका और मंच दिलवाने के लिए ट्विटर के जरिए खेल मंत्री किरेन रिज्जू से समर्थन मांगा था। शिवपुरी के रामेश्वर गुर्जर ने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। उनके परिवार में माता पिता और 5 भाई बहन हैं। रामेश्वर ने परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण आगे पढ़ाई नहीं की। 19 साल के रामेश्वर गुर्जर धावक हैं और वह नंगे पांव सड़क पर दौड़ते हैं। उनका वीडियो पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि रामेश्वर 100 मीटर की दौड़ 11 सेकंड में पूरी करते हैं। शिवपुरी जिले के ग्राम नरवर निवासी 19 वर्षीय युवा रामेश्वर गुर्जर को नगर पंचायत में नंगे पैर 100 मीटर रेस 11 सेकंड में तय करता देख लोग उनसे प्रभावित हुए हैं। पूरा परिवार खेती किसानी करता है। रामेश्वर ने परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। इस बीच मध्य प्रदेश के खेल मंत्री जीतू पटवारी ने भी रामेश्वर गुर्जर को भोपाल बुलाया है और यहाँ बेहतर ट्रेनिंग देने की बात कही है। पटवारी ने अफसरों से कहा कि ऐसी प्रतिभा को बेहतर सुविधाएं और अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो वो 100 मीटर की दूरी 9 सेकंड में भी तय कर सकता है। हर तरफ से आमंत्रण पाकर रामेश्वर ने कहा कि उसे एक मौका भर मिल जाए तो किसी भी रेस में प्रदेश और देश का नाम जरूर रोशन करेगा। कई बार प्रकृति ऐसे नजारे दिखाती है कि लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अलीराजपुर के एक गांव में महुए के पेड़ से नल की तरह पानी आ रहा है। लोग श्रद्धा से इस पानी का सेवन कर रहे हैं और इसे चमत्कार मान रहे हैं। अलीराजपुर जिले के गांव फरतला के महुडिया फलिया में महुआ के पेड़ से पानी निकल रहा है। इसे देख लोग आश्चर्य में पड़ गए हैं। डरते डरते कुछ लोगों ने इस पानी को पिया। पानी एकदम स्वादिष्ट और तरोताजा कर देने वाला है। इस महुआ के पेड़ से नल की तरह पानी निकलने की घटना को अब एक महीना होने जा रहा है। इस दौरान न पानी बंद हुआ और न उसका प्रभाव कम हुआ। लोग इसे स्थानीय देवता का कृपा बता रहे हैं। वहीं जानकारों का कहना है कि बारिश के सीजन में पानी जमीन में जमा हो जाता है और जब उसे पाइप नुमा पेड़ की जड़ मिली तो पानी उससे बहना शुरू हो गया है। विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो में कजली महोत्सव के अवसर पर शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन में नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह भी शामिल हुए, जहां जयवर्धन ने निशानेबाजी का प्रदर्शन किया और इस मौके पर जयवर्धन ने खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग सेंटर बनाने की घोषणा की। विश्व पर्यटन स्थल खजुराहो में कजली महोत्सव के अवसर पर 2 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह भी शामिल हुए। प्रतियोगिता का आयोजन पश्चिम मध्य समूह के मंदिर स्थित शिल्प सागर तालाब पर किया गया। प्रतियोगिता में प्रदेश से आए निशानेबाजों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया और लाइसेंसी बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग कर निशाना साधा। दर्शकों ने निशानेबाजी की कला का लुत्फ उठाया। ये चंदेलकालीन परंपरा को जो बढ़ाते हुए महाराज विक्रम सिंह जी नाती राजा साहब जो विधायक राजनगर हैं वो कंटिन्यू चलाते आ रहे हैं और यहाँ पर आने का जो प्रोत्साहन या जो आने का कारण है यहाँ से मिलने वाले प्रेम को है जो महाराज साहब से महारानी साहब से यहाँ के आयोजकगणों से और यहाँ के निवासियों से मिलता है। हम लोग बघेलखंड के होते हुए भी यहाँ पर उसी प्यार और स्नेह को पाते हुए यहाँ हर बार आते। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने खजुराहो में निशानेबाजी प्रतियोगिता का निशाना लगाकर शुभारंभ किया, हालांकि उनका निशाना सही जगह नहीं लग सका। गौरतलब है कि कजली महोत्सव खजुराहो में 10 साल में आयोजित किया जा रहा है। राजाओं की शान के प्रतीक के रूप में खजुराहो में रक्षाबंधन के बाद निशानेबाजी की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। नगरीय प्रशासन मंत्री ने आयोजन की सराहना की और कहा कि खजुराहो में अंतरराष्ट्रीय शूटिंग सेंटर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ से इस बारे में चर्चा की जाएगी। शूटिंग कॉम्पिटिशन है और हम देख रहे हैं कि लगभग 70 से 80 उम्मीदवार इस प्रतियोगिता में शामिल हैं और मुझे तो खबर यही मिलती है कि हर बार माननीय विधायक जी जीत के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच है कि उनके जैसे और भी शूटर तैयार हों। तो उनने आज मांग की है कि एक नई शूटिंग रेंज खजुराहो में स्थापित हो और मेरे लिए ये तो बहुत गर्व की बात है। मैं नगर विकास मंत्री हूँ तो मैं जरूर आज ये सौगात खजुराहो को दूंगा। गुरुवार शाम को एक युवक कुलांसी नदी में बह गया था। इसके बाद से ही SDRF उसकी तलाश कर रहा था। आज सुबह 36 घंटे बाद युवक का शव नदी में बरामद हुआ है।
गुरुवार को ईटखेड़ी गांव के पास कुलांसी नदी में बहे युवक का शव 36 घंटे बाद मिल चुका है। पिछले 36 घंटे से एसडीआरएफ, होमगार्ड और स्थानीय गोताखोर शव की तलाश कर रहे थे। आज सुबह 6 बजे से करीब ग्रामीणों ने युवक के शव को देखा, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला। बता दें कि गुरुवार शाम लखापुर निवासी 35 वर्षीय युवक शेर सिंह मेवाड़ा कुलांसी नदी में बह गया था, जिसके बाद से ही उसकी तलाश जारी थी और आज सुबह टीम को उसमें कामयाबी मिली। मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने की बात कही। शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और खजूरी थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सड़क पर अचानक विशाल मगरमच्छ के आने से लोगों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना रेंज के वनकर्मी को दी। घंटों की मशक्कत के बाद मुश्किल से मगरमच्छ को काबू किया जा सका। मंदसौर जिले के थाना नारायणगंज के अंतर्गत आने वाले गांव खेड़ा अरनिया जाटिया मार्ग के किनारे अचानक एक विशालकाय मगरमच्छ के आने से राहगीर सकते में आ गए। बताया जा रहा है कि तुलसीराम माली ने अपने गांव आते समय सड़क के किनारे मगरमच्छ देखा तो उसके होश उड़ गए। तुरंत ही उसने एक जानकारी प्रशासनिक दल के साथ ही वन विभाग को भी दी। देखते ही देखते मगरमच्छ को देखने ग्रामीणों का मजमा लग गया। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ काफी बड़ा था, उसे काबू में करने के लिए बार बार फंदा डालने की कोशिश की गई। बमुश्किल वन विभाग की टीम ने गड्ढे के पानी को जेसीबी की मदद से निकाला और घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रेस्क्यू कर पकड़ा गया। हमारे रेंज ऑफिस में 3-4 व्यक्ति आए थे कि गौरीशंकर जी उपाध्याय के खेत पे एक व्यक्ति ये घास काट रहा था, तो उसने क्या अजगर देखा, उसको पकड़ने के लिए बोला। स्वतंत्रता दिवस मनाकर स्कूल से लौट रही दो शिक्षिकाएं और ड्राइवर भारी बारिश के चलते उफनते नाले में कार समेत बह गए थे, जिनको दो दिन बाद नाले का जलस्तर घटने के बाद निकाला गया। पानी में डूबने की वजह से कार में सवार तीनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। उज्जैन के महितपुर के सेमदिया गांव में 15 अगस्त के दिन एक कार उफनते नाले में बह गई। कार में दो महिला शिक्षकों के अलावा ड्राइवर सवार था। पिछले 24 घंटे से तलाश की जा रही थी कार को। सुबह नाले का जलस्तर घटने पर गांव वालों ने देखा। आनन फानन में कार को नाले के बाहर निकाला गया तो सबके होश उड़ गए। कार के भीतर दो महिला शिक्षकों के साथ ही ड्राइवर का शव बरामद हुआ। गांव वालों ने शव को नाले के बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि ये लोग बरखेड़ा खुर्द स्कूल में झंडा वंदन कर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। नाले में पानी का तेज बहाव कार को बहा ले गया। एक महिला शिक्षक का नाम शैलजा पारखी बताया जा रहा है, वो इंदौर की रहने वाली है। वहीं दूसरी शिक्षक नीता शेल को उज्जैन की बताई जा रही है। लूट का शिकार हुई एक महिला की सूझबूझ और उसकी जानकारी पुलिस के काम आई और रीवा के शातिर लुटेरों को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली। इन लुटेरों से कई वारदातों का खुलासा हुआ है। रीवा सिविल लाइन थाना पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इन लुटेरों ने 4 अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने बताया कि बीते 10 अगस्त को जिले के मनगवा थाना क्षेत्र निवासी महिला से दो नकाबपोश युवकों ने लूट करते हुए मंगलसूत्र छीन लिया था, जिसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए महिला द्वारा बताए गए आरोपियों के हुलिये और मोटरसाइकिल के नंबर से आरोपियों की तलाश की। पकड़े गए आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इन के खिलाफ पूर्व में भी लूटपाट के कई मामले दर्ज किए गए हैं। इन लुटेरों ने महिला से लूटे गए मंगलसूत्र, पर्स और मोबाइल की भी जब्ती करा ली गई है। दिनांक 10-8 को बस स्टैंड के पास एक महिला का मंगलसूत्र छीन के कुछ बदमाश भाग गए थे। उसमें सिविल लाइन थाने प्रकरण पंजीबद्ध कर उसको विवेचना में लिया गया। उसमें जो मोटरसाइकिल आई थी उसका पतासाजी का प्रयास किया गया और उसमें मोटरसाइकिल का नंबर संज्ञान में आया। वो मोटरसाइकिल के मालिक का पता किया गया और उसको फिर पकड़ा गया। तो जो मोटरसाइकिल का मालिक था प्रवीण उर्फ सरदार विश्वकर्मा और उसका जो साथी था नागेंद्र साकेत उर्फ नायडू, इन दोनों से पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने 4 वारदातें स्वीकार की। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बाघों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 4 महीने के शावक ने दम तोड़ दिया। एक महीने के भीतर बाघों की ये 5वीं मौत हुई है। इससे
साथ हमारा टाइगर स्टेट का तमगा भी खतरे में पड़ गया है। दोबारा टाइगर स्टेट का दर्जा मिलने के बाद से ही मध्य प्रदेश में लगातार बाघों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। एक बार फिर उमरिया स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ के शावक की मौत हो गई। ताजा मामला धमोखर रेंज का है। यहां 4 महीने के शावक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बीमार होने के चलते बाघिन ने शावक को छोड़ दिया था, जिसके कारण वो जंगल में अकेला घूम रहा था। पार्क के गश्ती दल ने इसे कमजोर हालत में देखा, जिसके बाद इसकी सुरक्षा के मद्देनजर प्रबंधन ने शावक को रेस्क्यू कर बाड़े में रखा, इलाज शुरू कर दिया, लेकिन हफ्ते भर बाद ही इसकी मौत हो गई। प्रदेश में एक महीने के भीतर बाघों की ये 5वीं मौत है। बाघों की मौतों के साथ मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट का तमगा खतरे में पड़ गया है। बाघों की संख्या के मामले में अब कर्नाटक नंबर 1 पर बना हुआ है। हमारे यहाँ अधिकांश बाघों की मौत वन अमले की लापरवाही के कारण हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। कुछ दिन पहले कल्याण भाई मेरे से बोल रहे थे कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है कश्मीर में, कुछ ऐसा भरने वाला है, बम बम यो, वहाँ पूरी मिलिट्री पहुंच रही है, वहाँ के लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है और वहाँ के स्टूडेंट्स को भी वहाँ भेजा जा रहा है। मेरे को लग तो रहा था कुछ होने वाला है, लेकिन इतना बड़ा होने वाला ये मैंने कभी सोचा नहीं था। वो कल भैया राज्यसभा में बिल पेश हो गया, धारा 370 हटा दी अमित शाह ने। बताओ, ये सब बड़ा धमाका जो 70 साल से जो गलती चली आ रही थी उसको एक दिन में खटाक से इन्होंने निपटा दिया। और मैं बता रहा हूँ, इस पर कांग्रेस के नेता ऐसे बिल बिलाए फिर रहे हैं, इनमें कोई संपट नहीं बैठ रही। क्या बोलें, क्या सपोर्ट करें इसका, क्या करें? कुछ कांग्रेस के नेता सही बात बोल रहे हैं, बोले देश में ये अच्छा हुआ, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में एक ही कानून चलेगा। और वहाँ की बेचारी लड़कियाँ अगर दूसरी जगह शादी कर लेती तो उनकी प्रॉपर्टी में कोई रिश्तेदारी नहीं रहती थी। अब ये कोई लोकतांत्रिक चीज़ें हैं क्या? और वहाँ के कश्मीर के नेता बोल रहे हैं कि ये अलोकतांत्रिक फैसला है, ये है वो है, कोर्ट में जाएंगे। और मैं बता रही, ये सब भाई लोकतंत्र की चीज़ें थी क्या? ये किसी को विशेष अधिकार, किसी को कोई अधिकार ही नहीं है। और मैं बता रही हूँ, अब क्या हो गया वहाँ? अब दिल्ली जैसा माहौल हो जाएगा वहाँ? जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और एलजी, इनमें खूँ 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 चलती रहती है, वो एलजी पावरफुल रहेगा, हाँ उसकी चलेगी ज़्यादा, वो ताकतवर रहेगा। और पाकिस्तान हमारे जो पड़ोसी देश है, बेवजह चिल्लाया जा रहा है, भुनभुनाया जा रहा है, बिलबिलाया जा रहा है। अरे तुम्हें क्या लेना देना, ये हमारे देश का मामला है, हम कुछ भी करें। हाँ, हम चंद्रयान पे पहुँच गए। मैं कह रहा हूँ भैया, तुम्हारा भागे पड़ रहे हैं, पेट के जनता का इंतजाम करो, भूखों मर रहे हैं लोग, उनका इंतजाम करो, उसके बारे में सोचो, हमारी चिंता मत करो, बेवजह फटे में टांग मत अड़ाओ। हाँ, बता रही हूँ। आजकल एक मोदी जी का फोटो चल रहा है, वो उन्होंने लाल किले पे तिरंगा फहराया था बहुत दिनों पहले। हाँ, वो फोटो बहुत दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, छाया हुआ है, बता रही हूँ। और मैं बता रही हूँ, ये आदमी देखो, पहले दृढ़ संकल्प किया था इन्होंने धारा 370 हटाने का उस वक्त, और वो उन्होंने करके दिखा दिया, बता रहा हूँ। ये काम कहलाते हैं, बता रही हूँ। और पूरे देश में बता रहे हूँ, बाढ़ के हालात बने हुए, कई जगह बाढ़ आ रही है, बाढ़ में भी तिरंगा लेकर लोग खुशी मना रहे हैं। वे ऐतिहासिक काम हुआ है देश में बहुत सालों बाद, बता रहे हूँ। वो कांग्रेस के नेता तो ये थे फड़फड़ा रहे हैं, बता रहे हूँ। वो फारूक अब्दुल्ला भाई बोल रहे, ये लोकतांत्रिक हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। और मैं बता रही हूँ, कई नेता को तो अभी जेल में ठूसे जा रहा है, उनके जो अपराध हैं, इनके जो मोनोपोली चल रही थी कश्मीर में, इनकी दुकानें चल रही, सबकी बंद होने वाली है। हाँ, मैं भी जाऊं भैया, मेरे भी दुकान खोलने का टाइम हो गया। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lncdu.ac.in.